लंबी जा रही है, दाना भी काफी निकल रहा है जी जी। और जहाँ पे कट गई है, अभी जो हम किसान गए थे यहाँ पर गहलान में, उन्होंने काट के मंडी में ले गए थे दिखाने के लिए भी जी। तो रेट भी अच्छा करीब 4,050 रुपए का रेट लगा था उसका जी। और पैदावार उनके 28 क्विंटल किया। अच्छा, 28 क्विंटल पर एकड़। ठीक, बहुत बढ़िया है जी। साढ़े सर का झुलसा नहीं, झोंका नहीं, बिल्कुल नहीं, हरा पना है। दवा डालने की जरूरत नहीं, हरा पकने के बाद सारा दाना पक गया, पूरी बाली में दाना भर गया है, इसके बाद भी जो है हरी खड़ी है। तो ये खासियत है, इसीलिए तीनों किस्में आप लोगों के लिए निकाली गई हैं। साढ़े वैसे खेती में लागत कम होगी, कम से कम 2,500-3,000 रुपए अगर दवा का बचेगा तो वो सीधे हमारा आमदनी में जुड़ेगा जी। 1692 असी पिछले साल लाई सी इसे खेत जिथे तुसी खलोते हो, 32.5 क्विंटल 95 किलो पिछले साल ਐਰਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 1692-1500 ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਬ 1692-1599 ਕੋ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪ 1847 ਆ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸਮੇ ਅਬ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਜੇ ਜੋ ਬੁਕਾਨੀ ਰੋਗ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕੁਛ ਹੋਗਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ? ਸਰ ਹੋਗਾ 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 ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। 1509 ਮੇਂ 1121 ਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਬੁਕਾਨੇ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਜੀ। और हम उम्मीद करते हैं एक साल दो साल का समय लगेगा। ये 1886 में हो जाएगा, डेवलप कर लिया है जी। और उसका अभी परीक्षण चल रहा है जी, तो बकाने रोग का भी समाधान हो जाएगा। ठीक है। अब पत्ती का झुलसा रोग का हो गया, झोंका रोग का हो गया, हाँ, ब्लास्ट की बीमारी का जी, और BLV और बकाने के ऊपर हम लगे हुए, बकाने भी और हापस के लिए भी दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बकाने का है। बकाने की है प्रॉब्लम, पकाने के लिए अभी हमें देखना है कि 2-3 चीज़ें पकाने, ऐसी बीमारी है जिसका मैनेजमेंट अगर ढंग से किया जाए जी तो उसमें हम कमी ला सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जैसे कुछ किस्में हैं जो कि पकाने के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं जी, उसमें 1509 में भी आती है, 1121 में भी आती है, 1401 में भी आती जी। है जो मुच्छल पुरानी वाली थी उसमें पकाने जो है नहीं, उसमें नहीं आती। तो और दूसरा जो है जो मोटी जीरी है, चाहे वो 1,26 हो, चाहे वो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं आता, पीली पुसा हो, जो भी हो, इनके अंदर नहीं आती जी। तो पकाने की बीमारी जो है मिट्टी से भी होती है, बीज से भी होती है जी। अगर मिट्टी प्रदूषित हो गई, उसमें उसके जीवाणु आ गए, बीजाणु आ गए, तो पकाने उससे आ सकती है। तो इसलिए अगर हम एक साल में अगर खेत बदल दें तो उससे कमी आएगी। दूसरा, पौध जब उखाड़ते हैं रोपाई करने के लिए जी, तो सूखे में पौध जो है बिल्कुल ना उखाड़ें, जितना ज्यादा वो सर सर हमने सारे ही इंतजाम कर लिए, जो जो आप लोग आपके डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं जी, वो हमने सारा कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मतलब भी वो थोड़ी कमी तो आई, पर फिर 75% अभी भी वैसे ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास सब कुछ किया जी, सब कुछ ट्रीटमेंट और फंजिसाइड का भी ट्रीटमेंट, सीड का जो है अगर करते हैं तो थोड़ा सा सीड, अब यही है ना कि बीज जनित अगर है, बीज के अंदर है तो फंजिसाइड से रुकेगा जी, लेकिन जो मिट्टी के अंदर है वो फिर कंट्रोल नहीं होता, दोनों जगह से होती है। ठीक है। तो इसलिए अब ये तो ऐसा है कि कीड़े बीमारी विषाणु और इस बार बौने पौधों की शिकायत आ गई जी, जी, जी। तो ये सभी दुश्मन जो है किसानों के हैं, हाँ जी, हाँ, तो किसानों को इनसे लड़ना है, वैज्ञानिक लोग उसमें आप लोगों की मदद करते हैं, इसलिए हम लोग हैं। और इसीलिए इस समय देखिए रात के जो है 7:30 बज रहे हैं, अंधेरा हो गया जी, जी, और मैं आपके यहाँ पर आया हुआ हूँ, यहाँ पर आपका धन्यवाद, आप पहुँच गए देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग। बस डॉक्टर साहब जी, ये जेडे बीज वहाँ कड़े है ना, ये नवे बीजा दे कढ़न ते याद करन ते वधाई दे पात्र जी। पर एक मेरी गुजारिश आ कि किते इस गल नूं, इस चीज नूं मंजिल ना मन लियो, ये एक पड़ा आ, किसानां नूं राहत मिली आ, ये मंजिल नहीं, पर गतिशील रहो, गतिशील रहो, होर सुधार करो तां कि ये किसान जिहड़े आ इहनां दा वी उत्साह बने ने, ते किसान जिहड़े आ ना ਬੜੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੱਜਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਹਮ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਇਸਕੋ ਹਮੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੋ ਹੈ आदमी का, किसी व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, नहीं, सिर्फ पड़ाव है और इसे और आगे जाना है, रास्ता बहुत आगे का है, तो उसमें हमेशा हमेशा लगे हुए हैं आपके साथ जो है।